देखने में जितनी खूबसूरत, व्यक्तित्व भी उतना ही दमदार है। ये है आईपीएस अंकिता शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर हैं और नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल रही हैं। बस्तर में नक्सल ऑपरेशन की कमान संभालने वाली ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जो इन दिनों सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गाँव की रहने वाली अंकिता ने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की। ग्रेजुएशन करने के बाद अंकिता ने एमबीए किया और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली गई। दिल्ली में 6 महीने रही, सेल्फ स्टडी की, आईपीएस अधिकारी बनने में सफल रही। हालांकि ये तीसरी बार हुआ। उन्हें साल 2018 में तीसरे प्रयास में सफलता मिली और 203वीं रैंक हासिल हुई। अंकिता को घुड़सवारी और बैडमिंटन खेलने का शौक है। आप उनके इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें वो घुड़सवारी करती हुई नजर आती हैं और उन्होंने ऐसी बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं। साल 2020 में गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में अंकिता शर्मा ने परेड का नेतृत्व किया था। ये गणतंत्र दिवस परेड की कमान संभालने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। पूरे सप्ताह पुलिस की ड्यूटी निभाने के बाद वो एक बेहद खास काम करती हैं। जी हाँ, 6 दिन नक्सलियों से मुकाबला करती हैं और 1 दिन वो टीचर बन जाती हैं। यानी रविवार को वो टीचर बन जाती हैं। वो अपने ऑफिस में करीब 20 से 25 युवाओं को पढ़ाती हैं, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब जब इतना करती हैं अंकिता, तो इनके चर्चे भी हैं। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया यूजर ने अंकिता शर्मा की फोटोज शेयर करते हुए ट्वीट किया, बस्तर में पहली बार नक्सल ऑपरेशन की कमान महिला आईपीएस के हाथों में। इस ट्वीट को रवीना टंडन ने रीट्वीट किया था और तारीफ की थी, जिसके लिए अंकिता ने धन्यवाद कहा था। हालांकि अंकिता का बचपन से सपना था कि वो आईपीएस बने, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आईपीएस की तैयारी करते कैसे हैं। उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था, इस वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं और लगातार कामयाबियों को छू रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।